हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष सिंगला। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए KUK का नोटिफिकेशन जो आया PDF है, ये बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। आपको सिर्फ इतना सुनने में आया होगा कि KUK के अंदर अभी क्लर्क की वैकेंसी जो है निकली हुई हैं और इसका क्लोजिंग डेट है। कहीं आपको गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लोजिंग डेट नहीं मिलेगी। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा कि आपको कितना एग्ज़ाम में कितने पैटर्न होंगे, किस पैटर्न के हिसाब से पेपर कंडक्ट किया जाएगा और कट ऑफ क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम के अंदर वेटेज क्या होगा, किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा, तो आपको जो है कंप्लीट बता दूंगा। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला हर अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन बिल्कुल ओरिजिनल है। आप इस उस बात में मत रहिएगा कि फेक हो सकता है, फेक का कोई चांस नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये एडवर्टाइज नंबर वन है जो 2019 में जो फर्स्ट एडवर्टाइज आ चुकी है KUK की तरफ से, जो लगभग 7-8 साल के बाद वैकेंसीज निकली हैं। इसके अंदर ये क्लर्क की वैकेंसी है जो आपकी 198 है टोटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 198 पोस्ट हैं क्लर्क की। तो इसके अंदर ये पेज किसी काम का नहीं है। तो आपको ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो इसकी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की ऑनलाइन डेट है जो वो आपकी जो है 9 अप्रैल रहने वाली है। 9 अप्रैल से जो आपके फॉर्म के स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप क्लोजिंग की बात करें, सभी कैंडिडेट को ये रहता है कि फॉर्म क्लोज कब हो रहे हैं, तो क्लोजिंग की डेट है जो काफ़ी ज़्यादा दी गई है, आपका 15 मई तक चलेगा, यानी कि 1 महीना प्लस चलेगा जो आपका क्लोजिंग डेट तक की डेट दी गई है। और आपकी जब फॉर्म फिलअप फीस सबमिट करने की डेट, देखिए फ्रेंड्स, आप ये जरूर याद रखिएगा, फॉर्म की सबमिट करने की डेट और फीस सबमिट करने की डेट दोनों सेम है, यानी कि एक ही डेट पे आपको डिपॉजिट करने होंगे। ये मतलब है ना कि अगर आप फॉर्म की डेटा जो 15 है तो आपकी लगभग 20 तक मानी जाती है फीस डिपॉजिट की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेम डेट रखा है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कैसे रहने वाला है, इसके अंदर सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर का फेस टेस्ट वन, उसके बाद आपका सेकेंड होगा एप्लीकेशन टेस्ट, थर्ड वन होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और फोर्थ होगा आपका फिजिकल, और फिजिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी ये एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है, जो आपके फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है, आपको 198 तो बता दिया है, लेकिन 198 में हमारा वेटेज कितना है, जनरल कितना है, SC कितना है, BC कितना है, तो जनरल यहाँ पर वैकेंसी है आपकी 66, और उसके बाद SC BC की यहाँ पर सीटें दिखाई हैं। लेकिन आपको यहाँ देखना होगा कि EWS को भी रखा गया है, जो अभी 10% जनरल की तरह सेंटर की तरफ से अनाउंस हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए, तो EWS की सीटें भी KUK ने ध्यान रखा है। तो EWS की सीटें हैं जो यहाँ पर 18 सीट्स हैं जो KUK की तरफ से निकाली गई हैं। उसके बाद अगर ESM की बात करते हैं, एक सर्विस मैन की सीट्स हैं, ESP, PWD, मैन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो सीट्स हैं यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी फ़ीस रहने वाली है। तो फीस में देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया गया है KUK की तरफ से, नॉर्मली ऐसे एग्ज़ाम में किसी में नहीं होता। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी फ़ीस है जो 1200 रहेगी, जो बहुत ज़्यादा है। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे आई थिंक गेट के अंदर ही लिए जाते हैं जो 1500 लिए जाते हैं, अदरवाइज किसी एग्ज़ाम में इतनी फ़ीस नहीं होती। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट से आपसे 1200 रुपीज़ लिए जाएंगे। और उसके बाद आपकी जो फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जनरल से भी लोग हैं जो उनसे लिए जाएंगे 600 रुपीज़। अगर आपके मेल फीमेल अगर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके 300 लगेंगे। यहाँ पर उसको EWS के जनरल, यहाँ पर जो है आपके EWS से जो जनरल कैटेगरी के EWS से बिलोंग करते हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर उनका यहाँ पर चार्ज लगता है अगर अदरवाइज EWS के अदरवाइज, तो 1200 लगता है, लेकिन EWS का सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उनके 300 लगेंगे, जहाँ पर उसका 900 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो इनका सिलेबस है, एग्ज़ाम कैसे है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट जो बोर्ड होता है इनका, वहाँ से आप ग्रेजुएट चल जाएगा, और 10th तक मैट्रिक BA MA भी अलाउड हो जाएगी। उसके बाद आपका टेस्ट रहने वाला है, वो किस बेस पे है, क्या कुछ है, वो आपको बता देता हूँ कि मार्क्स वगैरह क्या लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट, तो मैंने वो बताया कि टेस्ट होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन टेस्ट होगा कंप्यूटर का, वो होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, टाइप टेस्ट होगा जो कंप्यूटर पे होता है ऑनलाइन, जो इंग्लिश में रहने वाला है। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा जो आपके 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह के, वो 20 मार्क्स का रहेंगे। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो आपका 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपसे अकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसकी आपका जो है 20 मार्क्स के अराउंड रहने वाला है। तो आपका टोटल मार्क्स है जो एग्रीगेट रहेगा 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, ये आपको मैंने बता दिया है कि आपके 4 टेस्ट होने वाले हैं इसके अंदर, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और इसके अंदर आगे चलते हैं कि जो फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 मैंने आपको बताए हैं, उनके अंदर क्या रहने वाला है। फर्स्ट आपको बता दिए है कि इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा, सेकंड आपका कंप्यूटर के बारे में बेसिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो एप्टीट्यूड जिसके अंदर इंग्लिश वगैरह इंक्लूड होगी उसका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका 4th वेरिफिकेशन। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ क्लियर क्लियर करना है, या फिर फ़िल्टर का पर्पज़ है यहाँ पे, किसी भी फेस में फ़िल्टर पर्पज़ नहीं है। जितना आप स्कोर करोगे उतना ही स्कोर उसका काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़िल्टर 1 यानी कि फेस 1 को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि आपको सिर्फ फ़िल्टर किया गया है, उसके मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है नेक्स्ट में, लेकिन उस फेस का नेक्स्ट फेस के अंदर वेटेज रहेगा। जितने भी आप मार्क्स जिस फेस में ऑब्टेन करते हैं, उतना आपको जो है टोटल आपको आगे मिलने वाला है, तो आप ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फेस 1 में आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट के टाइम में आपको क्या करना है, 30 मार्क्स का होगा। 10 मिनट में आपको 600 वर्ड का आपको इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपको टाइप करना होगा। तो आपको 30 WPM की स्पीड तो होनी चाहिए, तो उसके बेस पे आप जो है कंप्यूटर का टेस्ट देंगे और आपको उसके बेस पे नंबर मिल जाएंगे। जितने आप वर्ड लिखेंगे उसमें 30 माइनस करके आपको स्कोर दिया जाएगा। ऐसा लिखा गया है कि आपकी जो वर्ड की स्पीड होगी, वर्ड पर मिनट होगा, उसमें से आपको 30 माइनस किया जाएगा, उतना आप स्कोर ऑब्टेंड करेंगे। जितना ज़्यादा आप वर्ड लिखेंगे उतना ज़्यादा मतलब कि आपका स्कोर आने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड फेज होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, 40 मिनट का होगा, जिसमें आपसे 20 मार्क्स का होगा, ये मैंने आपको बताया था। थर्ड के अंदर देखिए, आपको सिर्फ बताया था कि एप्टी टेस्ट होगा। एप्टी टेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, जो आपके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम और 30 नंबर का वेटेज। उसका फोर्थ में आपका फेस में क्या है, आपका जो सिर्फ वो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आपके परसेंटेज बेस पे जो आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके जो सिग्नेचर वगैरह, फ़ोटो वगैरह की जो आपकी प्रॉब्लम रहती है, कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसे ब्लैक ब्लू, फ़ोटो का बैकग्राउंड, ये सब आपको मैं बता देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा ध्यान से। ये आपका यहाँ पर सिलेबस है, ये आपको PDF मिल जाएगी, आप उसमें सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर आपका आ गया है अपलोड फ़ोटो, देखिए फ्रेंड यहाँ आ गया अपलोड फ़ोटो। अपलोड फ़ोटोज़ के अंदर क्या बताया गया है कि आपका बैकग्राउंड है जो फ़ोटो का वाइट होना चाहिए। यह आपको याद रखना है कि सिर्फ वाइट बैकग्राउंड है पिक्चर का, वही आपका वैलिड माना जाएगा। उसके बाद आपसे डायमेंशन वगैरह जो ऑटोमेटिक होते हैं वो उठाते नहीं हैं, और आपका जो सिग्नेचर है वो आपका ब्लू और ब्लैक, बोथ में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेन से आपका चल जाएगा। और आपका फॉर्मेट JPG, JPG, 10 KB to 20 KB। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी लगाना होगा, और राइट अगर आपसे मांगते हैं तो आप देख लेना, राइट और लेफ्ट आपके थंब इम्प्रेशन लगाना होगा। तो इसके अलावा आपका इस वीडियो में कुछ नहीं रहा है, आपको
ये PDF का लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।